तमाम दर्शकों को अयोध्या से जय सियाराम। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अवधपुरी प्रभु अवध जानी भाई सकल शोभा के खानी। तो अवधपुरी में अपने राम नगरी में राम लला आ चुके हैं और देखिए अयोध्या की शोभा जो है वो किस तरीके से नजर आ रही है। एक दिवाली उस वक्त थी जब वनवास से वो लौटे थे और एक दिवाली हर रोज अयोध्या में नजर आ रही है। इस वक्त अयोध्या में सभी राम धुन में रमे हुए हैं। हर तरफ माहौल ऐसा है जो भी यहाँ पहुँच रहा है प्रभु श्री राम के रस में उनके जुनून में डूबना चाहता है। और मौका ऐसा है, ये उत्सव ऐसा है क्योंकि एक लंबे तप तपस्या के बाद ये मौका आया है जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है और उसके लिए अयोध्या पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहा है। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। काम कोटि छवि श्याम सरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। न अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहन बैठे जनु मोती। जैसे श्री रामचरित मानस के बाल कांड में बाल रूप रामलला के सौंदर्य का वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा को समेटे रामलला की दिव्य मूर्ति। ये श्याम वर्ण मूर्ति भगवान राम के धाम की केंद्र बिंदु बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उस प्रभु श्री राम की अचल मूर्ति के दिव्य दर्शन कीजिए। राम लला की नई दिव्य मूर्ति का स्वरूप अत्यंत मनोहारी है। ये मूर्ति उस राम लला के बाल रूप की है जिनके बारे में दावा मिलता है, अब सौंप दिया इस जीवन को श्री राम तुम्हारे चरणों में। कि आज से 7000 साल पहले भगवान राम ने एक इंसान के वेश में लीला करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। मूर्ति के चारों तरफ श्याम शैल का घेरा है, उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। सूर्यवंशी श्री राम की मूर्ति के मस्तक के ऊपर भगवान भास्कर सूर्य हैं। ध्यान से देखने पर मूर्ति में शेष नाग के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि भगवान राम विष्णु के ही अवतार थे और क्षीर सागर में शेष नाग भगवान विष्णु को शैया के रूप में आराम देते हैं। दाईं तरफ ओम अंकित है, बाईं तरफ गदा है, स्वास्तिक है। नीचे दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए बजरंग बली हैं, वहीं बीच में दोनों तरफ भगवान विष्णु के दसों अवतार के दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है, वो है मत्स्य, कोर, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। पैर से लेकर सिर तक ये मूर्ति अप्रतिम है। इस मूर्ति में राम लला के दर्शन तो मिलते ही हैं। इसमें श्री राम के सूर्यवंशी संस्कार की झलक मिलती है। इसमें सतयुग की मर्यादा दिखती है, बुराई पर अच्छाई की विजय का वर्णन मिलता है, तो अवनी को असुरों से मुक्त कराने का संकल्प का साक्षात्कार मिलता है। रामलला के 4 से 5 साल के बाल रूप की मूर्ति गढ़ी गई है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। कमल दल पर रामलला के चरण विराजमान है। कमल दल के नीचे 20 इंच ऊंचा पेडस्टल है। श्रेष्ठ सप्तपुरियों में शामिल आदि नगरी अयोध्या के बिना सनातन सभ्यता का हर अध्याय अधूरा है। इसी अयोध्या में नया इतिहास अध्याय लिखा जा रहा है, सनातन के स्वर्णिम काल का अध्याय, अयोध्या के नव निर्माण का अध्याय, दिव्य भव्य नव्य श्री राम धाम का अध्याय। और इसी राम के धाम में श्री राम की नई मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का अध्याय। रामलला की ये दिव्य मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो गई है, उस मंदिर के गर्भगृह में जो राम की जन्मभूमि पर भव्य आकार ले चुका है। किसी भी मंदिर में मूर्ति पूजन प्रारंभ होने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान है।
इस विधान के पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, अध्यात्म के साथ विज्ञान का तत्व दर्शन समाया हुआ है। भगवान की जब कृपा होती है तो उनके कार्य का जब आता है तो ऐसे मुहूर्त मिलते हैं, सदा नहीं मिलते। नौ ग्रहों में से 5 ग्रह जब अच्छे हो जाते हैं तो अधिकांश शुभ हो गए, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर 6 ग्रह मिल रहे हैं, अर्थात 2/3 सब शुभ ही कार्य होने का है, तद अनुसार मुहूर्त दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नौ ग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना होता है। ये जो कार्यक्रम संपूर्ण होने वाला कोई एक ही स्थान पर नहीं होने वाला है, उसके लिए सामान्यतः 3 स्थान, कोई दूरी नहीं, बिल्कुल समीप में ही। सबसे प्रथम गर्भगृह, दूसरा जो है यज्ञ मंडप, तीसरा जो है यज्ञ मंडप का प्रांगण। तो क्रम वहाँ से प्रारंभ होगा कि बाहर प्रायश्चित, उसके बाद पंचांग आदि पूजन, वरण आदि होने के पश्चात मंडप प्रवेश। प्राण प्रतिष्ठा के साथ सनातन संस्कृति की मान्यता जुड़ी हुई है। मान्यता ये कि पूजा किसी मूर्ति की नहीं होती, उस दिव्य सत्ता की होती है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अंतर्यामी है, जो अवधपुरी के स्वामी है। 19 जनवरी 2024 अरणीय मंथन से अग्नि स्थापन, 20 जनवरी 2024 गर्भगृह की वास्तु शांति, वास्तु वेदी की स्थापना, 21 जनवरी 2024 राम लला को 125 कलशों से दिव्य स्नान, महाभिषेक के बाद अधिवास, 22 जनवरी 2024 मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त ज्योतिष के प्रकांड विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविण ने निकाला है। यही वो शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला था। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है, अभिजीत का समय है, मध्यान्ह में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाशमंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, तदनुसार वो मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने की पुण्य प्रक्रिया है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते, बल्कि वो मूर्ति जागृत अवस्था में आ जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है। इस सिद्धि काल का मुहूर्त भी अद्भुत है। मेष लग्न का गुरु इस मुहूर्त का प्राण है। लग्नस्थ गुरु सर्व दोषों का शमन करेगा। मुहूर्त में विचार किए जाने वाले कुल 16 वर्गों में 10 वर्ग भी अत्यंत शुभ है। मेष लग्न के गुरु की विशेषता यह है कि दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण, यानी रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राज बाण और अग्नि बाण में से कोई भी बाण संजीवनी मुहूर्त में नहीं रहेगा। मुहूर्त के दौरान 9 ग्रहों में से 6 ग्रह मित्र के रूप में अपने घरों में रहेंगे। मुहूर्त में गुरु मित्र ग्रही होकर नवांश में उच्च का रहेगा। अन्य ग्रहों के राहु केतु के चारों तरफ ना होकर सिर्फ 2 तरफ होने से काल सर्प दोष की स्थिति भी नहीं रहेगी। सूर्य के मकर राशि में होने से पौष मास का दोष भी नहीं रहेगा। सूर्य के अभिजीत में होने से मृगा शीर्ष नक्षत्र भी शुभ फलदायी होगा। 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है, मेष लग्न में गुरु है, उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से, और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी।
जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। सनातन शास्त्र के मुताबिक पूजा दिव्य शक्ति की होती है जो सृष्टि के रचयिता है। किसी प्रतिमा की पूजा करना तो आराधना करने का एक तरीका होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा एक अनुष्ठान होता है। कैसे हम अपने भगवान को आह्वान करते हैं कि वो आए इस मूर्ति में विराजे, इसी तरीके से 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उस मुहूर्त में, उस अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हमारे रामलला की करने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के तहत ही शुक्रवार को अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। अरणि मंथन से उत्पन्न हुई अग्नि की कुंडों में स्थापना की गई। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हुए हैं। सभी 9 कुंडों में एक साथ अनुष्ठान चल रहा है। अरणि मंथन से अग्नि के प्रकटीकरण का विधान कितना खास है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में आचार्य के तौर पर शामिल लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलेश कुमार तिवारी से जान लीजिए। अष्ट लाकर और उससे अरणि मंथा नामक 2 यंत्र निर्माण किए जाते हैं और उन यंत्र में इसके घर्षण मंत्रों के द्वारा आवाहन करके घर्षण के द्वारा जो अग्नि निकलती है उस अग्नि का स्थापन जो है उस कुंड में करके वहाँ पर जो आवाहित जितने देवी देवता वेदियों पर है उनका हवन क्रिया वहाँ पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के अधिवास का बहुत ही अहम विधान है। राम मंदिर में भी 18 जनवरी से 21 जनवरी तक अधिवास का अनुष्ठान चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल होंगे। इसी श्याम वर्ण विग्रह की आंख की पट्टी खोलकर उन्हें आईना दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भगवान श्री राम को सोने के सिक्के से काजल लगाएंगे। आखिर में पीएम मोदी रामलला की महाआरती करेंगे। पहली महाआरती के बाद प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। तो भव्य अयोध्या सज चुका है। दिव्य रामलला के दर्शन के लिए हर कोई बेताब है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई चाहता है कि वो भव्य राम मंदिर के दर्शन करें। अब तक 57 देश जो हैं इसकी तैयारी भी कर चुके हैं कि कब 22 तारीख आए प्राण प्रतिष्ठा हो और वो आपके और हमारे रामलला के दर्शन कर पाए। भव्य अयोध्या में दिव्य रामलला। मेरे रामलला जी आओ बैठो अपने भवन मा, मेरे रामलला जी आओ बैठो। आ रहे हैं रामलला, हो गई है भव्य तैयारी। आ गए हैं रामलला, देख लो देश की तैयारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मुझे अयोध्या आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन इतने ही दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपने करियर का या कहें जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव कवर कर रहा हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश ही नहीं पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज हो रही है। मैं हैरान हूं और मैं बहुत खुश भी हूं कि अब अयोध्या में राम राज के दर्शन होने लगे हैं। भव्य अयोध्या में दिव्य रामलला। पूरा
पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। राम मंदिर का कोना कोना फूलों से सजाया जा रहा है। जरा राम मंदिर के गुंबद को देखिए, जिसे थाईलैंड से लाए गए फूलों से सजाया गया है। आपको न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जब गुंबद ऊपर सजा है कितना खूबसूरत लग रहा है, जरा देखिए आप। किशन मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर जो ऊपर से सज गया है, फूलों से सजाया गया है। ऊपर तक देखिए किस तरीके से रंग भरे जा रहे हैं। और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये थाईलैंड से लाए गए हैं। उसके सामने आप परकोटा देख रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से थाईलैंड से लाए हुए सिंह द्वार पर फूल सजाए जा रहे हैं। ऊपर का जो गुंबद है वो भी पूरी तरीके से रंग दिया गया है। और देखिए वीआईपीज के लिए भी यहाँ पर नीचे टेंट लगा दिए गए हैं। और ये मुख्य द्वार है, ये सिंह द्वार है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा गुंबद बनाकर तैयार कर दिया गया है। देश भर अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ। न्यूज 18 इंडिया पर शताब्दी की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे अखंड कवरेज, सीधे राम मंदिर अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ 108 घंटे का सीधा प्रसारण। हमारे साथ वो होंगे जिन्हें देश सुनना चाहता है।